सभी से बस यही निवेदन है, जिस प्रकार से भजन जिक्री का आनंद ले रहे उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। और देखिए किसी कवि ने कहा है, मोनू भैया राम नाम रटते रहो, और जब तक घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। देखो तुम कहीं तो हम तो भजन सुनाए देंगे, तुम कहीं तो गानों सुनाए दे, समय 15 मिनट को है। अब जैसे जैसे सब श्रोता कहेंगे बस बता प्रसंग। ध्यान को महिला आदि, जहां की रात्रि में मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी, विद्वानों राजा दम ने अपनी मृत्यु का कारण कहा कि मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है। और रानी द्रौपदी, अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो जाकर के इस घोड़ी से पूछिए। रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई, जाकर के उस घोड़ी से कह रही है, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। तो विद्वानों कहा अरिल कर के क्रोध और ऋषि निरानी और हाथ कमंडल लिया है और छीटा मारे नीर के मो पैसा पुरसी ने दियो है छीटा मारे नीर के। और वो घोड़ी कह रही है घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा क्या घोड़ी रूप घोड़ी रूप घोड़ी रूप बनाए दियो मेरा जग के दया न दिल में आई है। और अरे हरी कहे हरी कहे हरी कहे नानू को मेरी एक पेशना भैया। जो देता दुख गरीबों को का पुरस्कार दादाजी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो देता दुख देता दुख देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को और जो राजा रंग कुसुम राखे राखे भैया कहा अरे 51 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे जो राजा रंग कुसुम राखे जो राजा रंग कुसुम राखे शमशान उसी को कहते हैं। और भैया जो राजा रंग कुसुम राखे और 51 रुपए का पुरस्कार बिना नाम वाले होंगे तुम तक के नाम बुलवाएंगे भैया। जो राजा रंग कुसुम राखे हे शमशान उसी को कहते हैं। और जो पार
महारानी द्रौपदी से। रानी, ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर देख संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो देखिए, आज ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं, उस घोड़ी से देवी 3:30 बजे नभ में, 3:30 बजे नभ में जब कोई देव भिड़ाइए, अरे छूटे श्राप बाद रात तेरा जब जम के होए लड़ाइए, ऐसी जंग जबई होगी। कहा ऐसी जंग जबई होगी? कब? जब गहले तेग मुरारी और सब देव हंसे दे। विद्वानों, घोड़ी कितनी बातों को सुनकर के रानी द्रौपदी वापस राजा दंग के पास में आ गई। आकर के राजा दंग से कहा, राजा मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तू अग्नि नहीं लगाएगा। राजा दंग को वचन देकर के रानी द्रौपदी पहुंच गई धर्मराज के पास में। और देखिए, जाकर के धर्मराज से कह रही है, मोनू भैया क्या कह रही है रानी द्रौपदी? से महाराज, मैं एक व्यक्ति को वचन देकर के चली आई हूँ। धर्मराज पूछ रहे, रानी तू किसको वचन देकर के चली आई? तो कहा रानी द्रौपदी ने, ए जी रानी नाम दंग को लियो, जैसे ही दंग का नाम सुना, धर्मराज रानी द्रौपदी से कह रहे, रानी तेरी बुद्धि खराब है गई है क्यों? सुन मेरी बात। अरे नारी की, ए जी नारी की, सुन के बानी रे, धर्मा अरे कही कही समझाए और अरी खाम खा
और मैं भी कह रही हूँ उस बात को। क्या जब हम नहीं होंगे तो क्या है, जब हम नहीं होंगे तो पापा कौन देखो। हाथ जोड़ के निवेदन है, रातों कई और फिर कह रही हूँ, ऐसे मत बैठो जैसे आखन के कैंप माइक बैठ के हो, ज्यादा ना है तो ना रही हालात रहे हो कि हाँ लाली बढ़िया गा रही जाते, हमें जो लगे कि हमारी बात तुम तक पहुंच रही है, हम तो जो समझ रहे हैं कि हमारी बात शायद तुम तक पहुंच ही ना रही। मोनू भैया, जब हम नहीं होंगे तो भैया, जब हम नहीं होंगे तो बफा कौन करेगा, और ये फर्ज मोहब्बत का फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा, जब हम नहीं होंगे तो। ये 200 रुपए का पुरस्कार बड़े भैयाओं की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम नहीं होंगे वफा कौन करेगा, ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। और देखिए कहा, या रब क्या, अरे 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से, या रब मेरे दुश्मन को, या रब दुश्मन को तू रखना सलामत, या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत, किस लिए, मेरे क्या, मेरे लिए मरने की, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करे, जब हम अब सुनो उड़ान। और भैया धर्मराज रानी द्रौपदी से कह रहे हैं, सोजी पांडु पुत्र यो कहे और डोले वो तो दुनिया में आयो और पास ना रानी पास ना काहुन बैठा यो, लड़े को के सब ते कानों
इंसान को चेतावनी दे रहा है कवि और कह रहा भैया शोरावली वाली।